ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. एक स्मृत प्रतिसाद है यहाँ पर, स्त्रियों और लोगों ने नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं व्यापारियों से अवैध पैसे वसूलने के. रेट लगा देते हैं तो फिर कभी रोड पर कभी गाड़ी खड़ी है उसके लिए लगा देते हैं, लेकिन इस बारे में हमसे सहमत थे कि जो भी महानगर पालिका आचार संहिता बनाकर एक तारीख की जो तारीख थी ये तय हुई थी व्यापारियों से मीटिंग की, उसके भाई 15 साल से आज तक कभी नहीं हुई थी. अचानक ये कार्रवाई करते हैं. हर तरह से व्यापारी का, ये जो व्यापारियों का शहर है उनको परेशान करने का जो इस महानगर पालिका प्रशासन ने जिम्मा उठाया है, मुझे समझ में नहीं आता. एक अवैध वसूली करने के लिए प्रशासन इस तरह के काम कर रहा है. या आयुक्त महोदय से, इनसे एडिशनल कमिश्नर से मिलो, जैसे आएंगे बाहर उनको बताएंगे कि ये सारी कुछ है नहीं, इनको अंकुश लगाना पड़ेगा और व्यापारियों के पक्ष में हम पूरी तरह से खड़ा होता है उसके लिए गाइडेंस दी जाती है. व्यापारी इस शहर में टैक्स भरते हैं, व्यापारी जीएसटी भरते हैं, उसी से देश का पूरा अर्थव्यवस्था चलती है. तो उन लोगों को इस निर्दयता से परेशान करना ठीक नहीं है. जब आमदार ने उनसे तय किया था कि व्यापार सकता है तो खुद गब्बर, उसके बदले में 2 मुट्ठी अनाज देता है तो क्या गलत करता है, उसका मुख्य रूप से हमारा विरोध है. ये मैंने किसी के ऊपर इशारा किया, पत्रकार बंधु है आप, चौथे स्तंभ है आप, खोजिए. मेरे साथ सारे व्यापारी हैं, सारे व्यापारी हैं. प्रदीप साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. प्रदीप साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. व्यापारी एकता, व्यापारी एकता. तुम्ही आम्हाला आयुक्ताने सांगितलं की लेंगरेकर साहेबांना भेटा, नाही का? 2 पाव भरून आले तर आम्हाला वाटेल की आमची काही प्रशासन किंमत करत आहे, नाहीतर आम्हाला असं वाटेल की तुम्ही या. 2 मिनिटं या, तुमच्यासाठी स्पेशल पंखा पण लावलाय, या या. तुम्ही या मग, तुम्ही आमच्या तुमच्यासोबत आम्ही तुमची धारणा देतो, तुम्ही या. 1 मिनिट उल्हासनगर शहरात मागील काही दिवसापासून महापालिकेकडून शहरातील व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होत आहे. त्यासाठी आज व्यापाऱ्यांनी उल्हासनगर पालिकेवर धडक मोर्चा काढला होता. या मोर्चात भाजपचे प्रदीप रामचंदानी देखील सहभागी झाले होते. उल्हासनगर महापालिकेकडून मागील काही दिवसांपासून व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकानाबाहेर अनधिकृतरित्या रस्त्यावर गाडी पार्किंग केल्याने व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे काल आमदार कुमार ऐलानी यांनी देखील या विषयावर पालिका आयुक्त अजित शेख यांच्यासोबत चर्चा केली होती. त्यावेळी आयुक्तांनी 1 डिसेंबरला बैठक घेऊन यावर मार्ग काढू असे सांगितले होते. तरी देखील आज पालिकेकडून व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई थांबवण्यासाठी आज व्यापाऱ्यांनी भाजपचे प्रदीप रामचंदानी यांना सोबत घेऊन पालिकेवर धडक मोर्चा काढला.
यावेळी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर हे भेटत नसल्याने व्यापाऱ्यांनी तिथेच ठिय्या आंदोलन केले. ठिय्या आंदोलन झालेले पाहून जमीर लेंगरेकर यांनी व्यापाऱ्यांसोबत एक बैठक घेतली आणि 1 डिसेंबर रोजी पालिका आयुक्त यांच्यासोबत बैठकीचे आयोजन केले. जसं की उल्हासनगर एक आगळा वेगळा शहर आहे, त्याच्यामध्ये सगळे काय नियमाने होत नाही आपल्याला ही माहीत आहे, कारण हे आपण नियोजन करून शहर बांधलेला नाही आहे. खूप आपल्याला ह्याची त्रास होत आहे, जेणेकरून आता आपण बघितलं की कारवाई 3 दिवसापासून सतत कारवाल्यांना करत होते, तिथे जात होते, सरसकट सगळ्या दुकानांना दंड मारायचे आणि त्याच्याकडून पावती फाडायचे. ह्याचा आपण योग्य रीतीने जर हाताळला गेला तर व्यापाऱ्यांमध्ये उद्रेक होणार नाही. काल आमदार ह्या प्रसंगी आयुक्तांना भेटले आणि आयुक्तांनी सांगितले की 1 तारखेला आपण सर्व व्यापारी आणि प्रशासन बसून याचा तोडगा काढू. पण दुर्दैव कसं आहे की 1 तारीख देऊनही आजही कारवाई केली गेली. आपण असं नियमाने बनायला गेलो तर सगळं काही नियमाने होत नाही. आपल्याला माहिती आहे की हे 100 फुटी रस्ता झाला, ह्याच्या पूर्वी 55 फुटी रस्ता होता. 45 फूट ह्या दुकानदारांनी सगळे आपले तोडून रस्ता दिलेला आहे आणि एखादा ग्राहक कुठली काही लाईट टाकायला आला किंवा काही हॉर्न टाकायला आला ते बाहेर बसून जर दोन त्यांनी ते बसवले पार्किंग केली तर त्याचं प्रमाण तसंच आहे की एक कारमध्ये ग्राहक आला किराणा खरेद केला तर दुकानवर गाडी उभं केली. अशा प्रकाराचे जर काही कारण असेल तर त्याला नियमाचा बाहेर ठेवायला पाहिजे. आणि हे बरोबर आहे की 2-2, 3-3, 4-4 लाईन लावणारे जे काही वाहतारी आहेत त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, त्याचे मताचे आम्ही पण आहोत. पण कसं आहे की आपला महापालिका कसं आहे की हे वर्षात किंवा 2 वर्षात एकदा कारवाई करते, त्याच्यानंतर परत कारवाई होत नाही. नियमित आपण एक जरी सवय लावली आणि त्याच्यावर लोकांवर आचारसंहिताचा जे काही पालन करण्याचं सांगितलं सर्व व्यापारी पालन करणार आहे. मला याचा आनंद आहे की लेंगरेकर साहेबांनी सर्व व्यापाऱ्यांच्या बैठक घेतल्या आणि बैठकमध्ये 1 तारखेपर्यंत याला स्थगिती दिलेली आहे कुठल्याही कारवाईवर. 1 तारखेच्या नंतर जे काही ठरवणार आहे प्रशासक आणि व्यापारीमध्ये ते दोन्ही या ठराविक जे काही ठरवला त्याच्यावर अंमलबजावणी करणार आहे ह्याची मला आशा आहे. आणि आपण महानगरपालिका आणि व्यापारी हे दोन्ही मिळून काम करणार जेणेकरून उल्हासनगरचा ज्या व्यापारी वर्ग दुकानासमोर रॅम्प लावलेले आहेत फुटपाथवर त्याच्याबद्दल तुम्ही समर्थन करता का? अहो मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं की आमचा शहर आगळा वेगळा शहर आहे, हे नियोजित झालेला शहर नाही. आपल्याकडे जागाची कमतरता आहे. आपल्या शहरात जेवढे लोक राहतात तर आम्हाला आश्चर्य वाटतो की आपण श्वास कसा घेतो. तर हे गोष्ट आणि व्यापारी आणि ह्याच्यावर आपण नियम दाखवून काही कोणावर तळा घालू शकत नाही. व्यापारियों द्वारा रोड के जो फुटपाथ कवर किए गए उसका आप समर्थन करते हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा कि यह शहर विचित्र शहर है. जिस शहर की नियोजन नहीं हुआ, बिना नियोजन के शहर बन गया है, इसमें कानून से ज्यादा मानवता चलती है. व्यापारी वर्ग त्याच्या स्वतःवर काही नियंत्रण करेल का की दुकानाच्या बाहेर मी कसं पार्किंगला अडवू शकेल कस्टमरला? त्यासाठी 1 तारखेला बैठक लावलेली गेली आहे. काही पाऊलं पुढे प्रशासन येणार आहे, काही पाऊलं मागे व्यापारी जाणार आहे. विन-विन सिच्युएशन होणार आहे अशी मला खात्री आहे. एक हसियाने बिल्ली खंभानोचे वाला काम. एक्चुअली अभी ये जो हसियाने बिल्ली वो खंभा नोच रही. व्यापारी 100 से ज्यादा व्यापारी है. 4-5 व्यापारी जो है अगर 2 से 3 लाइन लगाते हैं तो उनको भी आज हमने स्ट्रिक्टली बोला है कि आप उस आचार संहिता का पालन करो. दूसरी बात ऐसी है कि ये रोड जो था वो 50 से 55 फुट का था, उसको 100 फुट रोड बनाया गया और 20 से 25 फुट दुकान है. इन्हीं व्यापारियों ने अपनी दुकानें दी है कि शहर का विकास हो. हम नहीं बोल रहे हैं कि महानगर पालिका जो है उसको कोई भी अधिकार नहीं, लेकिन व्यापारी हमारा ऐसा कहना है कि व्यापारी अगर गाड़ी अंदर दबा के लगाए और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी तरह से चले वो सहकार्य करे. और हम लोग कल ही आए थे और हमको कमिश्नर साहब ने बोला 1 तारीख को हम लोग मीटिंग रखेंगे और उसके बाद इस पर फैसला करते और फिर आज से उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी. हाँ ये बात आपकी बराबर है कि कुछ जो हमारे भी 100 में से 1-2 व्यापारी हैं वो उसका पालन नहीं करते.
दो दो तीन तीन लाइन लगाते तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो व्यापारी आपका हमेशा से पालन करता है, आज हमारे अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी टीम यहाँ पर है, 800 से ज्यादा व्यापारी तो यहाँ पर ही आ गए थे, 50 से 60 व्यापारी बाहर खड़े थे। हम पूरा सहयोग महानगर पालिका को करेंगे, शहर हमारा ही है। महानगर पालिका की तरफ से मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि शहर में जो बाकी सुविधाएं हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए। शहर में खर्चे छचे महीने नहीं बढ़े जाते, तभी महानगर पालिका 3 दिन करती तो खर्चे नहीं बढ़ती है। शहर में सफाई अभी संडे और मंडे 2 दिन छुट्टी थी, तो मंगलवार को कचरे के ढेर लगे हुए थे। गुरु नानक जयंती के दिन शहर में कचरे के ढेर लगे थे, लेकिन तभी प्रशासन तो इतना एक्टिवली काम नहीं करता है। कहने का मतलब है कि ताली एक साथ से नहीं बजती है, हम पूरा सहयोग महानगर पालिका को करेंगे। मेरा मीडिया के भाइयों से यही कहना था कि आपको आज अगर कोई किसी का गाड़ी अगर एम्बुलेंस वहां पे अटका है, अगर आप एक शूटिंग बता दो कि एम्बुलेंस वहां पे अटकी पड़ी है हमारे व्यापारी के कारण, हमारी गाड़ी के कारण, तो उसमें हम उसके ऊपर खुद आके कार्रवाई कराएंगे। बात ऐसी है, हमने यहां पर बोला है, अभी आपको मैं बताता हूं, जैसे कोई कार में अगर अपनी लाइट डलवाने आएगा, समझ लीजिए वो अगर लाइट डलवा रहा है तो वहां पर ही गाड़ी खड़ा करता है जहां पर एक पार्किंग की गाड़ी है। आप कहीं पर भी अगर जाओगे, कल्याण जाओगे, तो वहां पर अगर आपको एक रेडीमेड का कपड़ा भी लेना है तो कार में जाओगे तो पार्किंग मिलती है ना। हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका ने 25-30 साल में एक पार्किंग बनाई है क्या? एक आप बताओ, 3 रेलवे स्टेशन है या पूरे क्षेत्र में 1 से 5 नंबर तक महानगर पालिका की तरफ से एक भी पार्किंग की सुविधा दी गई है कि कहीं का सुविधा? सुविधाएं नहीं है। शहर हमारा बहुत कंजेस्टेड है, 13 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है, बहुत सी तकलीफें हैं शहर में। हम महानगर पालिका से पूरा पूरा जो सहयोग मांग रहे हैं, हम पूरा सहयोग महानगर पालिका को भी देंगे। और आप मीडिया का भी बहुत बहुत आभारी है, हर बार आप लोग हमको सहयोग देते हैं। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रदीप जी और हमारे व्यापारी सेल के बीजेपी के अध्यक्ष जगदीप तेजवानी जी, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कैसा है, परसों जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो अभी हमारे आमदार साहब है, हम अपने आमदार के पास ही शिकायत लेके जाएंगे, सुनने वाले वो है, तो उन्होंने यहाँ पर कमिश्नर साहब से मीटिंग ली, उनकी बैठक हुई, और कल ही हमारे साथ में हमारे रेजिडेंट USA के दीपक सतलानी जी भी थे, उन्होंने उनके साथ में बैठक ली। आमदार साहब जी ने कहा कि कार्रवाई हो रही है जो आपकी, उसके लिए एक व्यापारियों को आप साथ में लेके एक मीटिंग कीजिए। तो मीटिंग तय हुई कि 30 तारीख को या 1 तारीख को मीटिंग रखी जाएगी, तो उसके बदले में फिर आज कार्रवाई तुरंत चालू हो गई। और मतलब जो गाड़ियां अंदर भी खड़ी थी उनके ऊपर भी पेनल्टी ली गई, सब पावतियां फाड़ दी गए, तो इसके लिए आज सब व्यापारी नाराज़ हो गए थे इस बात से, और सब ने दुकान बंद करके एक आमदार के पास पहुँचे। आमदार वहाँ पर न होने की वजह से हम लोग यहाँ पर कॉरपोरेशन में आए। आपका कहना था कि कुछ व्यापारियाँ गलतियाँ कर रहे हैं, तो उसका भुगतान सभी व्यापारियों को होगा? जी बिल्कुल, जैसे 100 व्यापारी है, 100 व्यापारियों में से अगर 3-4-5 ऐसे गलती कर रहे हैं तो सब लोगों को उनका भुगतान भरना पड़ रहा है। तकलीफ ये है, वो नहीं होना चाहिए, प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करे जो गलती कर रहा है। ये सब कार्रवाई रुकने के लिए आप सब व्यापारी एकजुट होकर इस परेशानी का सुलझाव निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे, हम प्रशासन के साथ में बैठने को तैयार है, उनकी बातें सुनने को तैयार है, वो क्या हमें सुविधा देते हैं हम वो सब सुनने को तैयार है, और उनके साथ पूरी तरह से हम कोऑपरेट करने को तैयार है। जो लोग फुटपाथ पे गाड़ियां लगा रहे हैं उनके खिलाफ आप लोग कार्रवाई करने को सही मान रहे हैं? बिल्कुल सर, सही है, क्योंकि देखिए पहले तो इस शहर में पूरी तरह से फुटपाथ ही नहीं है, जिसको आप फुटपाथ कहें, आधे रास्ते पे फुटपाथ बना हुआ है, आधा रास्ता खड्डों में गिरा हुआ है, वो ऐसे ही छोड़ा गया है। ये टाउन जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं है, जब ये डेवलप हो जाए उसके बाद हम ये गलती करते हैं तो हम अपने आप को दोषी मानेंगे। आज 25 साल से हम जो धंधा कर रहे हैं, एक ही दिन में वो हमसे घर से बेघर होने के लिए कहेंगे तो हम बेघर तो नहीं होंगे ना। और हमने भी अपने दुकान तोड़वाए, 10 से 15 फुट जो हमने कटिंग दिए उसके बदले में हमें कहीं पर प्लॉट वगैरह नहीं मिला, क्योंकि महानगर पालिका को पार्किंग के लिए ही प्लॉट नहीं बचा है। आज फर्नीचर बाजार कुछ भी हो, कपड़ा मार्केट, जवी बाजार, यहाँ के लिए पार्किंग नहीं बची है, तो वो हमको कहाँ से पार्किंग देंगे? इसलिए हम लोगों ने पार्किंग की मांग नहीं की है, सिर्फ ये कहा है जो 15 फुट हमारा दुकान गया है उसके बदले में 7 से 8 फुट हमारे ऊपर मेहरबानी करके हमको दे, ताकि हम अपनी गाड़ियां बेच सकें। आकाश सहाने,
स्वानंद मीडिया उल्हासनगर। ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।